नमस्कार साथियों, पहले तो मैं एक एक कार्यकर्ता का पूरे प्रदेश के अंदर जिसने दिन रात एक कर पिछले 2 महीने में मेहनत करी उसका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं तमाम 542 नए चुने हुए सांसदों को, नरेंद्र मोदी जी को, कि आज देश का जनमत उनके पक्ष में आया। और यही उम्मीद करता हूं कि देश बहुत उम्मीद के साथ आपको चुनकर लाया है और यही उम्मीद आपको इस देश को आगे ले जाने में मदद करने का काम करेगी। और साथ में बधाई दूंगा हरियाणा के 10 सांसदों को जिनने दिन रात एक कर अगले 5 साल इस प्रदेश को एक नए मुकाम पर लेके जाने की जो जिम्मेवारी लेके साथ आज वो पार्लियामेंट में गए हैं। आज उनकी जिम्मेवारी बनती है कि तमाम साथी लगकर इस प्रदेश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। निरंतर पिछले 2 महीने के अंदर मैंने देखा कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी जननायक जनता पार्टी का मैदान में उतरा रहा, मेहनत करी और इस मोदी वेव के सामने लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, हार जीत चलती रहती है। चौधरी देवीलाल जी 84 की बात करें तो बुरी तरह उस चुनाव में हारे थे, मगर उन्हें मेहनत करनी नहीं छोड़ी। 1987 के अंदर फिर खड़े होकर उससे ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत कर दोबारा प्रदेश में राज बनाने का काम किया। आज मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि हमने रुकना नहीं है। उस समय 3 साल थे, आज हमारे पास केवल मात्र 5 महीने हैं और इन 5 महीनों के अंदर हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो यही है कि हम लगकर एक एक वोटर से दोबारा संपर्क साधे, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़े और जोड़कर मजबूती के साथ संगठन को खड़ा करें। आप ये देखिए कि आपकी पार्टी को आज खड़े हुए केवल मात्र 5.5 महीने हुए और इन 5.5 महीनों के अंदर आपने प्रदेश के अंदर जहाँ 1 सीट पर 3 लाख वोट लिए, वहीं 5 सीटों पर आप नंबर 3 पर आए, 2 सीटों पर आप नंबर 4 पर आए। लोग तो कहते थे जमानत जब्त होगी, मगर आप लोगों की मेहनत थी, जमानत तो कांग्रेस की भी हुई जब्त, बसपा की भी हुई, मगर उससे क्या वो पार्टियां रुकना और चलना छोड़ गई, वो फिर खड़ी हुई, आगे बढ़ी। और आज मैं आप सबसे यही विनती करने के लिए जुड़ा हूँ कि हमें भी खड़े होकर आगे बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कई साथी लिख रहे हैं कि आज बहुत निराश हैं। साथियों, निराश होए अपने आप को कमज़ोर करोगे और जितना दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लोगे, उतने ही मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे। अभी सुबोध ने लिखा है कि आप स्ट्रगल करो, आंध्रा में वाईएसआर आया, बहुत बढ़िया बात लिखी है। मुझे याद है जब जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी का देहांत हुआ तो लोग कहते थे कि इनका तो राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया। 2 साल उनको उस समय की सरकार ने जेल में रखने का काम किया, मगर साथियों 1700 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे आंध्र प्रदेश को नाप कर आज देखो किस प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आए हैं। मैं देख रहा था कि केवल मात्र 3 सीट TDP की आई,
बची सारी लोकसभा की सीटें भी उनने जीतने का काम किया। ये हवा की बात है, ये बात काम की है। ये चुनाव कोई व्यक्ति के साथ आप नहीं लड़ रहे थे, हर सीट पे जो चुनाव था वो चुनाव नरेंद्र मोदी जी के साथ था। मेरी लोकसभा में विजेंद्र जी जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि विजेंद्र जी जिस तरीके से 5 साल मैंने हिसार के लिए काम किया है उससे बेहतर काम कर दिखाएंगे। हिसार की समस्याओं को पार्लियामेंट में बड़ी मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मगर साथियों, एक चीज़ तो साफ होगी कि आज विजेंद्र जी नहीं जीते। अगर मेरी सीट पे भी बात करूं तो मेरे सामने नरेंद्र मोदी जी जीते। अगर बात करूं सोनीपत के अंदर तो शायद भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी टारगेट लोकसभा सीट की तो मुझे लगता है कि धर्मवीर जी चुनाव नहीं जीते, वहां पर भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने जीतने का काम किया। मगर विधानसभा में परिस्थितियां अलग होगी, वो परिस्थितियों के अंदर शायद आपके सामने नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, वहां तो आपके सामने कैंडिडेट होगा मनोहर लाल खट्टर जी होंगे और वहां पर जवाबदेही भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग नहीं सकते, पत्रकारों से भाग नहीं सकते। साथियों, हमें यही सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हम मिलकर दोबारा जैसे आंध्रा में, तेलंगाना में, बंगाल में इतिहास रचा गया है, हरियाणा प्रदेश में भी उसी तरह का इतिहास रचेंगे। मैंने देखा कि अजीत सिंह जी 1900 वोटों से हारे, हमारे भाई जयंत जी लास्ट तक जीतते आए, पोस्टल बैलेट्स में हार गए। अगर इस तरह चुनाव के अंदर क्लोज फाइट से चुनाव जीते गए हैं तो एक चीज तो स्पष्ट होगी कि लोगों का बदलाव का मन था। मगर बदलाव के अंदर जहां चुनाव को 6 शब्दों में समेटकर छोड़ दिया गया, मैं भी चौकीदार और चौकीदार चोर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम सब हार गए, देश के अंदर बदलाव हार गया। साथियों, हमें फिर खड़ा होना है और मजबूती के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हम मिलकर बदलाव लेकर आने का काम करेंगे और वो बदलाव हरियाणा प्रदेश को एक नई तस्वीर और तकदीर देने का काम करेंगे। मैं देख रहा था, अभी कई साथी लिख रहे हैं, संपत लिख रहा, हार जीत तो होती रहती है। मैं अगर चौधरी देवीलाल के जीवन की बात करूं तो शायद चौधरी देवीलाल जितने चुनाव जीते उससे ज़्यादा चुनाव उनने हारने का काम किया। मगर क्या वो चलना छोड़ गए थे? वो तो अगले दिन फिर खड़े हो जाते थे। अगर वो निराश भी हुए तो उनने उतनी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। अगर मैं चौटाला साहब की बात करूं, उनका जीवन तो हमेशा संघर्ष का रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की बात करूं, वो तो राजस्थान के अंदर जाकर 2 चुनाव जीत कर आए, भिवानी गए जहां बंसीलाल जी का गढ़ माना जाता था, भिवानी के अंदर भी चुनाव जीत कर आने का काम किया। डवाली गए, लोग कहते थे हारेंगे, डवाली भी जीतने का काम किया। मेरी माता जी जब डवाली गई तो कहते थे महिलाओं को वोट नहीं मिलते, उनने भी चुनाव जीता। तो अब परिस्थितियां अलग होगी। कई साथी लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। साथियों, मैं तो धन्यवाद करता हूं आम आदमी पार्टी के एक एक साथी का जिसने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जहां मैं बड़ी माइन्यूटली उनको देख भी रहा था, उनका सहयोग भी ले रहा था, एक एक साथी ने बड़ी निष्ठा के साथ काम भी किया। जहां उनकी जिम्मेवारी डोर टू डोर की लगाई गई, उन लोगों ने बड़ी मजबूती से खड़े होकर, चाहे सुबह 9 बजे बुलाया, उनने काम किया। और मैं मानता हूं कि ये दोनों संगठन एक ही सोच के हैं कि हमें बदलाव लेकर आना है। मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आगे की परिस्थितियाँ 5 महीनों में तय होगी,
मगर अगले 5 महीनों में आप सबको खड़े होना पड़ेगा, इस लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम जब पूरे देश का रिजल्ट एनालाइज कर रहे थे तो कई सीटें हैं जो 100, 125, 200 वोटों पर सांसद हारे हैं। आप सोचिए उनका आज हौसला कहाँ होगा। खड़े होना पड़ेगा, खड़े होकर लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरी तो आप सब से यही अपील विनती है कि जिस तरीके से आप सब ने अब तक काम किया है, जिस हौसले के साथ आप सब ने संगठन को खड़ा किया है, अभी तो ये पहला टेस्ट था और पहले टेस्ट के अंदर आपने ये साबित कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है प्रदेश के अंदर तो वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर आज फेल हुई है, मगर वो विकल्प केवल मात्र जननायक जनता पार्टी है। अभी भाई लवीश लिख रहा है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। लवीश, फेल कहाँ हुए, एग्जाम के अंदर पिछड़े हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पिछड़ने के अंदर आज देश के अंदर जहाँ जद्दोजहर ये थी कि 6 शब्दों पे पूरे चुनाव को निपटाया गया, चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार, इसने साबित कर दिया कि ये लड़ाई कोई दुष्यंत और विजेंद्र के बीच में नहीं थी। ये लड़ाई पूरी बनाई गई और एक सोच के साथ बनाई गई कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, और इसका नुकसान शायद पूरे देश को और ख़ास तौर पर रीजनल पार्टीज़ को सहना पड़ा। मगर चौधरी देवीलाल जी एक चीज़ कहा करते थे कि रीजनल पार्टीज़ आर ओरिजिनल पार्टीज़, और वो इसी सोच के साथ कहा करते थे कि रीजनल पार्टीज़ कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक मजबूत नींव रखने का काम करती है। और मैं ये मानता हूँ कि आज हम सबको मिलकर ये प्रण लेना है कि हम मजबूती के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं अपने संगठन को भी और हरियाणा प्रदेश को भी प्रगति के पथ पर कैसे लेकर आए, उसके बारे में हमें और मेहनत करनी है। मैं साथ के साथ पढ़ भी रहा हूँ, कई साथी अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। मैं एक साथी लिखता है ग्राउंड लेवल पर अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, साथी हरियाणा के अंदर विकास नयन लिख रहे हैं हरियाणा के अंदर रोज़गार की बड़ी समस्या है। समस्या बहुत है, मगर क्या विकास इस चुनाव में समस्याएं देखी गई, क्या समस्याओं के ऊपर चर्चा की गई, क्या समस्याओं को किसी ने मुद्दा बनाया। इस पूरे चुनाव में तो अगर कोई मुद्दा था तो केवल मात्र एक ही था कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आप राष्ट्रभक्त हो, और बीजेपी के विरुद्ध वोट डालोगे तो शायद देशद्रोही हो। जगजीत शर्मा जी लिखते हैं नैरेटिव हैज चेंज नाउ, वी आर स्टिल मिसिंग समथिंग हिडन। बिल्कुल सही बात है जगजीत जी, देर इज समथिंग बिग दैट इज मिसिंग एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर टू गेट आर स्टेट ऑन द राइट ट्रैक। सचिन लिख रहे हैं कि 1985 के अंदर 425 MP कांग्रेस पार्टी के आए थे, हरियाणा में 10 की 10 जीती थी, मगर आज कितने हैं, आज तो 50 पे आके सिमट गई। ये बदलाव है, सत्ता किसी के परमानेंट हाथ में नहीं रहती, ये तो जनमत की सोच है और जनमत की सोच ही बदलाव लेकर आने का काम करती है। मैं कई साथी लिख रहे हैं कि INLD के साथ वापस आ जाओ। साथियों, मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने INLD को छोड़ा था? हमें तो बाहर का रास्ता दिखाया गया और फिर एक नई शुरुआत करेगी, और मुझे लगता है जब हम नई शुरुआत इतनी मजबूती से कर चुके हैं तो फिर चौधरी देवीलाल ने कभी पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं दिखाया।
तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में परिवर्तन लाने का है, और उस परिवर्तन के लिए आप सब कर्मठता से खड़े होकर तैयारी में जुट जाओ। कई साथी लिख रहे हैं कि दिग्विजय को सोनीपत क्यों खड़ा किया। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या दिग्विजय सोनीपत ना लड़ता तो हमारी पार्टी के 51,000 वोट आते? अगर हम बात करें परिवर्तन की, आज एक चीज तो साबित होगी, अरविंद केजरीवाल जी बारी बारी कहते थे कि कांग्रेस को साथ आना चाहिए, मिलकर आगे परिवर्तन की लड़ाई के अंदर बीजेपी को पिछाड़ने के लिए एक होना चाहिए। पर मैं एक चीज उस दौरान समझा कि कई कांग्रेस में बैठे लोग ये चाहते नहीं थे, और उसमें से शायद भूपेंद्र हुड्डा जी एक व्यक्ति थे जिन्हें कभी ये सोच नहीं रखी कि शायद बीजेपी को हराना उनका उद्देश्य हो। और मैं ये मानता हूं कि आज दिग्विजय को वहां खड़ा करना कोई हिसार के चुनाव पर हमें रोक नहीं पाए। 3 लाख के मार्जिन को अकेला दिग्विजय नहीं रोक सकता था, ये तो लोगों का माइंडसेट था। पर मैं ये मानता हूं कि अगर हिसार में इतना बड़ा इतने काम के बाद चेंज आया है तो फिर पूरे देश के अंदर इसी तरह का चेंज आया है। गुरबाज जी लिखते हैं कि सिंबल बदल लो। गुरबाज, ये जो सिंबल था ये केवल मात्र इस लोकसभा चुनाव का सिंबल था, अभी तो आगे विधानसभा जब डिक्लेयर होंगे तब नया सिंबल के लिए हम अप्लाई करेंगे। उस समय देखते हैं कि हमें कप प्लेट मिले, हमें चप्पल मिले, या हमें कोई और सिंबल मिले। कई साथी पूछ रहे हैं कि प्रदीप गिल क्यों छोड़ गए। मैंने तो मजबूत जिम्मेवारी उनको दी थी, और मैं उन साथियों से पूछता हूं कि आप जाकर उनसे पूछिए कि क्या वो जिम्मेवारी से बचकर गए, या कहीं ना कहीं उनने जिम्मेवारी से अपने आप को दूर किया। हमारे संगठन ने जितना मान सम्मान उनको दिया उतना मान सम्मान तो शायद कोई भी उनको नहीं दे सकता। वेद प्रकाश जी लिखते हैं कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट बूथ लेवल। बिल्कुल, मर बूथ पे कौन संभालेगा? वेद जी, अगर मैं बात करूं, अगर बूथ लेवल मैनेजमेंट की जरूरत है तो उसका हिस्सा आप भी हो। शायद आप सबको मिलकर उस बूथ को संभालना पड़ेगा और अपने बूथ को सबसे मजबूत करना पड़ेगा। मैं देख रहा था कई साथियों ने हिसार के अंदर अपने अपने बूथ को एनालाइज कर रिजल्ट को मेरे को व्हाट्सएप करने का काम किया, और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और कई साथी जो बड़ी जिम्मेवारी पे हैं वो कहीं ना कहीं अपने बूथ को भी नहीं संभाल पाए। तो ये तो मेरे ख्याल से सृष्टि की रचना कह लो कि जो काम करेगा, जो बदलाव लाना चाहेगा, वो कहीं ना कहीं अपने बूथ को भी मजबूत करे। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहला कदम किसी कार्यकर्ता का होना चाहिए तो अपने बूथ को मजबूत करने का होना चाहिए। मैं और सुरेंद्र दैया जी कहते हैं, इफ डार्कनेस इज देयर देन श्योर लाइट इज ऑल्सो देयर। अभी तो दिन छिप रहा है, क्या ये अंधेरा हमेशा के लिए है? सुरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, ये तो कल सुबह 5 बजे फिर उजाला हो जाएगा, फिर एक किरण आएगी जो नए उद्देश्य को लेकर परिवर्तन की एक नई राह को तय करने का काम करेगी। रविंदर भाई लिख रहे हैं, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ बूथ लेवल इज ऑल्सो इंश्योर्ड। बिल्कुल सही बात है। आनंद लिखता है, एक्शन अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी तो एसेट बनने हैं आनंद, बहुत जल्दी इतनी बड़ी बात मैं नहीं मानता कि सत्य हो सकती है। गुरबाज लिख रहे, प्लीज गिव टिकट टू दोज हु कैन विन। तो गुरबाज, अभी
किसको टिकटें दी? अभी तो हर वो व्यक्ति हमने उठाया। मैं मानता हूँ प्रदीप से बढ़िया हमारे पास नौजवान नहीं हो सकता था जो रोहतक के रण में उतर सकता था। और मैं पहले दिन मानकर चला था कि 1.5 से 2 लाख तक प्रदीप वोट सिक्योर कर सकता है। मगर परिवर्तन देखो, पोलराइजेशन देखो कि लोगों ने प्रदीप को भी 20,000 वोटों पर रोकने का काम किया। और ये केवल मात्र एक सीट पर नहीं, ये सारे हरियाणा के अंदर है। मैं पढ़ रहा हूँ, अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं। दीपक लिखता है, कुंगड़ गांव से 700 वोटों से जीते हो। धन्यवाद दीपक। ये आप जैसे साथी थे जिनने अपने अपने गांव को, अपने अपने बूथ को संभालने का काम किया। मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी साथी को कनेक्ट कर पाऊँ। आज जो ऑप्शन नहीं आ रहा, पहले आता था। लवली गोयल लिखते हैं, विधानसभा में आपके साथ है भाई साहब, लोकसभा में मोदी के साथ थे। ये तो आरएसएस का एजेंडा था लवली। और ये केवल मात्र आप ही नहीं, बहुत से ऐसे मैंने ऑनलाइन जो हमारे पत्रकार है जो जा जाकर सर्वे करते हैं, उनके सर्वेज के अंदर भी देखा, उनकी वीडियोस के अंदर भी देखा, सारे कहते थे ऊपर मोदी नीचे दुष्यंत। मगर ये आरएसएस का प्लांटेड एजेंडा था जिसके अंदर शायद हरियाणा बह गया। मगर जब बात करें हम सब मिलकर, तो हमें अब ऊपर का चुनाव तो हो गया, नीचे की तैयारी करनी है। और लवली, अगर आप जैसे भाई मिलकर भी हमारा सहयोग करेंगे, हमें ताकत देंगे, मैं ये मानता हूँ कि हम बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ 4,100 से ऊपर साथी अभी जुड़े हुए हैं। मैं तमाम साथियों से विनती करता हूँ कि ये अब आपकी जिम्मेवारी है, ये संगठन को आगे ले जाना, संगठन के अंदर बदलाव लाना। ये कोई जिम्मेवारी मेरी अकेले की नहीं, इस प्रदेश में अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को आगे रखना पड़ेगा। भाई योगेश लिखते हैं, तू रुकना नहीं, तू थकना नहीं, तू वह नहीं जो आंधी से घबरा जाए, मिलेंगे खूब जो तुझे खींचने दो कदम पीछे, खींचेंगे दो कदम पीछे, पर तू रुकना नहीं, आँखों में है सपना, करना है वो पूरा, तू थकना नहीं, तू रुकना नहीं। योगेश भाई, इतनी बढ़िया शब्द जो आपने लिखे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरे पाँव के अंदर जान रहेगी, ना तो मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा, पहले से भी ज़्यादा हौसले के साथ, मजबूती के साथ काम करने का कार्य करूंगा। और ये आप जैसे साथी हैं जिनके हौसले से कहीं ना कहीं ताकत दिन प्रतिदिन मुझे मिलती जा रही है। निर्मोय भट्टाचार्य लिखते हैं, मोदी इज द लीडर हु सपोर्ट्स ऑपोजिशन फॉर डेवलपमेंट। भाई, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट हु डजंट? आर कंट्री हैज मूव्ड सो फॉरवर्ड इन लास्ट 70 odd years, आई थिंक एवरीबडी हैज सपोर्टेड। और उसका एक कारण रहा है कि आप जैसे, मेरे जैसे तमाम लोग मिलकर अपने सुझाव देते हैं। मैं 5 साल पार्लियामेंट में रहा और उन 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा बिल था जिस पर मैंने अग्री या डिसएग्री ना किया। और इसी सोच के साथ वहाँ बात रखता था कि शायद
मेरा सुझाव इस सरकार को बदलाव लाने में मदद करने का काम करेगा। और बहुत सी मेरी दी गई सुझाव, बहुत सी मेरी कही गई बातों ने सरकार को चेंज किया। जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया तो कई साथी जो मेरे साथ पार्लियामेंट में थे ऐसा करते थे कि तूने कर दी ना गांव वाली बात, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर नहीं लाना चाहिए था, पार्लियामेंट की मर्यादा तोड़ दी। क्या मेरे ट्रैक्टर ले जाना किसान को ताकत नहीं देकर आया? तो इसलिए मैं तो उस सोच का हूँ कि सुनो सबकी, करो मन की, और वही शायद प्रगति और बदलाव लाने का काम करता है। अजय भाई लिखते हैं, तू राह, तू रख हौसला, जो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी मिलन का मजा आएगा। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। अमन भाई लिखते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट यू आर माई फेवरेट पर्सन इन पॉलिटिक्स। धन्यवाद अमन। मैं तो ये मानता हूँ ये आप जैसे साथी जो जुड़ते रहते हैं, जो ताकत देते रहते हैं, वही कहीं ना कहीं मेरी शक्ति और ताकत बनने का काम करते हैं। हिमांशु लिखते हैं, नाउ हु विल ड्राइव द ट्रैक्टर टू पार्लियामेंट। हिमांशु, अब तो ट्रैक्टर गाड़ा बन गया, एंड आई डोंट थिंक सो कि समबडी नीड्स टू ड्राइव द ट्रैक्टर टू पार्लियामेंट अगेन। और अगर कोई प्रयास भी करेगा तो पार्लियामेंट में मुझे जाने से अभी भी कोई नहीं रोक सकता। शायद एक बार एमपी बनने के बाद ये मेरा अधिकार है कि उस डेमोक्रेसी के मंदिर के अंदर मैं बारी बारी जा पाऊँ। और आप बेफिक्र रहो, अगर ट्रैक्टर पे कोई गाज गिरने का प्रयास करेगा तो आपका भाई उसकी लड़ाई को पूरी तौर पर पहले की तरह लड़ने का काम करेगा। मैं कई साथियों के मैसेज पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सबसे बात भी करनी पड़ती है और मैसेज भी पढ़ने पड़ते हैं। सत्येंद्र भाई लिखते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का चुनाव अलग है, हम विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुटते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, हमें तो और मेहनत के साथ, लगन के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब तो सारे भाई शेरो शायरी लिखने लगे। राजकमल भाई लिखते हैं, इट्स बैड टाइम फॉर हिसार एंड हरियाणा। राजकमल बैड नहीं है, लोगों ने चुना है। और मैं बिजेंद्र जी को मानता हूँ कि जहाँ वो अधिकारी पद से रिजाइन देकर हिसार की सेवा में उतरे हैं, जरूर वो भी कोई ना कोई बदलाव लेकर हिसार के लिए आने का काम करेंगे। और बूंद बूंद ही समंदर बनता है। मेरे ख्याल से जो कार्य शायद मैं नहीं कर पाया 5 साल के अंदर, वो सजेशंस हम उनको देंगे कि आज उनकी सत्ता में पार्टी बैठी है, वो मिलकर इसको बदलने का काम करेंगे। अनुराग भाई लिखते हैं, वॉन्ट टू बी इन टच विद यू। अनुराग, जब आप मेरे को मैसेज भेज रहे हो तो मेरे ख्याल से मेरे से इससे बढ़िया साधन तो टच में आने का है नहीं। I am a very active person on social media and I try to connect with each and everybody. मैं आपके साथ भी टच में रहूँगा। कई साथी बड़ी अच्छी शेरो शायरी लिख रहे हैं। सिद्धार्थ मेहता जी लिखते हैं, व्हाई डिड यू फाइट फ्रॉम हिसार, यू शुड बी फोकसिंग ऑन हरियाणा स्टेट, वाजंट दिस ओनली फाइट बिटवीन एनएलडी एंड यू। नहीं सिद्धार्थ,
आप मुझे ये बताओ, अगर मैं हिसार नहीं लड़ता तो कौन लड़ता? और अगर मैं हिसार के मैदान को छोड़कर जाता तो लोग कहते भाग गया। हार जीत चलती रहती है, आपको उस पर फोकस नहीं करना कि कौन जीतता है कौन हारता है, आपको तो चुनौतियों को स्वीकार करना है। और मुझे लगता है मैंने चुनौती को स्वीकारा और आज उसका नतीजा है कि 3 लाख वोट के लगभग हमने सिक्योर करे हैं हिसार के अंदर। अगर मैं नहीं लड़ता तो शायद ये वोट भी आने मुश्किल थे। और एक एक साथी ने जिसने 5 साल मेरे साथ मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टेन्योर में काम किया, आज उनको ताकत देनी मेरी जिम्मेवारी थी। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो डिसीजन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का था कि मेरे को हिसार से दोबारा जिम्मेवारी दी कि मैं चुनाव लड़ूं, बहुत अच्छा डिसीजन था। और आज आप देखो कि विजेंद्र जी से जरूर मैं पीछे रहा हूँ, चुनाव जरूर हारा हूँ, मगर लोगों का दिल जरूर जीतने का काम मैंने किया है। और ऐसी सोच के साथ किया है कि हम मिलकर बदलाव लाने का काम करेंगे। मैं कई साथियों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, अलग अलग बातें लिखी है। संजीवनी ने लिखा है, इट वॉज अ ग्रेट अटेम्प्ट टू एनालाइज एंड ब्रिंग द माइंड सेट ऑफ पीपल टू रीथिंक एंड रीवर्क। बिल्कुल संजीवनी, इट्स माई ड्यूटी एंड आई टुक 2 days टू एनालाइज ईच एंड एवरी बूथ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट, एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्डर। और जो हमारे ऊपर और जिम्मेवारियाँ बढ़ी है, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कल से काम शुरू कर दिया था, आज आपसे जुड़ा हूँ, आपसे चर्चा करी है, और फिर मैदान के अंदर उतर कर उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे।